Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, today we'll learn about the use of up to. Up to का मतलब होता है तक. Up to वाले sentences को हम तीन अलग अलग situation के मुताबिक बनाते हैं. Three अलग अलग situation क्या है? पहला जो है वो है distance, place और time. दूरी, जगह और समय के हिसाब से. दूसरा जो है वो है चॉइस, यानी कि पसंद के हिसाब से. और तीसरा जो है फिट फॉर, मीन्स उपयुक्त. ओके फ्रेंड्स, तो हम पहला से शुरू करेंगे डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम से. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, जो पहला सिचुएशन है वो है डिस्टेंस, प्लेस और टाइम. डिस्टेंस का मतलब दूरी. जब हम दूरी की बात करते हैं और प्लेस यानी कि किसी जगह की बात करते हैं और टाइम मतलब हम समय की बात करते हैं. ओके फ्रेंड्स, और उसमें तक का सेंस हो तभी हम अप टू का इस्तेमाल करेंगे. जैसे वह 6 बजे तक सोया. ही स्लेप्ट अप टू 6 AM. मैंने सुबह 9 बजे तक एक्सरसाइज किया. I did exercise up to 9 AM. वह दिल्ली में 2006 तक रहा. He lived in Delhi up to 2006. मेरे पिताजी मुंबई में 2010 तक थे. My father was in Mumbai up to 2010. मैं यहाँ सोमवार तक हूँ. I am here up to Monday. Okay friends, तो इस तरह के sentences को हम time के हिसाब से अगर होगा तो इस तरह से बनाएंगे up to लगाकर. अगर वहाँ पर distance यानी कि दूरी हो तो जैसे वह रोज सुबह 5 किलोमीटर तक दौड़ता है. He every morning runs up to 5 किलोमीटर. मैं कल 32 किलोमीटर तक दौड़ा. I ran yesterday up to 32 किलोमीटर. यहाँ पर हम दूरी की बात कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, 32 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये दूरी की बात है. तो कितनी दूरी तक? 5 किलोमीटर तक, अप टू 5 किलोमीटर. 10 किलोमीटर तक, अप टू 10 किलोमीटर. 32 किलोमीटर तक, अप टू 32 किलोमीटर्स. ओके फ्रेंड्स, अभी हम प्लेस की बात करते हैं यानी कि जगह की. मैं मुंबई तक गया. आई वेंट अप टू मुंबई. वह बाजार तक गया. ही वेंट अप टू मार्केट. ओके फ्रेंड्स, जब जगह की चर्चा हो और उसमें तक यानी कि किस जगह तक की बात हो तो उसमें हम अप टू का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चॉइस की. तो चॉइस में क्या होता है? पसंद की. ओके, ये आप पे निर्भर करता है कि आप सीखे या ना सीखे. इट्स अप टू यू वेदर यू लर्न और नॉट. यह उन पर निर्भर करता है कि वो करे या ना करे. इट्स अप टू हिम वेदर ही डज और नॉट. वो उन लोगों पर निर्भर करता है कि वो मैच खेले या ना खेले. इट्स अप टू देम वेदर दे प्ले मैच और नॉट. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर चॉइस की बात हो गई. ये आप पर निर्भर करता है, बस देख लीजिएगा. हम किसी को भी बोलते हैं ना कि भाई अब आप पे ही निर्भर है, आप देख लेना. तो इट्स ऑल अप टू यू. ओके फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं फिट फॉर, मीन्स उपयुक्त. वह इस जॉब के काबिल या लायक नहीं है. ही इज नॉट अप टू दिस जॉब. उसका प्रदर्शन आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. हीज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन. ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फिट फॉर, मीन्स उपयुक्त. ओके फ्रेंड्स, अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा कि जो पहले हमने बनाया था कि मैं
मैंने 9 बजे तक पढ़ाई की या 2 बजे तक पढ़ाई की या 9 बजे तक एक्सरसाइज की, तो जो समय की बात की जा रही है वैसे सेंटेंसेस को हम अप टू से ना बनाकर टिल लगाकर भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं सुबह 9 बजे तक एक्सरसाइज किया, तो आई डिड एक्सरसाइज टिल 9 AM। उसने रात 2 बजे तक पढ़ाई की, ही स्टडीड टिल 2 AM। ओके फ्रेंड्स, जिसको भी हम अगर समय वाली बात करते हैं तो यहाँ पर हम अप टू की जगह पर हम टिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो आज का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न बाकी रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये हमारा काम है आपको एक्सप्लेन करना, आपको कॉन्सेप्ट समझाना, और आपका काम है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और उसको यूज़ करना, तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और हाँ, वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7ों वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।